ओके सर, ओके। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप कि मेरी आवाज सभी लोगों को क्लियर आ रही होगी। सो आवाज क्लियर आ रही है सबको मेरी? एक बार जो भी लोग कमेंट बॉक्स में बेसिकली यहाँ पे अवेलेबल हैं सेशन में, सभी लोग शेयर को सेशन कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ में, या फिर सभी लोगों के साथ में जिन भी ग्रुप्स में आप लोग कनेक्टेड हैं सभी के साथ में सेशन शेयर कर दीजिए, जिससे कि सेशन को शुरू कर पाए हम लोग। सो बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं, इंजीनियर सक्सेस एवरी डे आपके लिए सेशन लेकर आ रहा है कुछ ना कुछ यूट्यूब पे, जिसमें कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन, एंड दीज सेशंस आर वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर ऑल द एग्जाम्स। आप किसी भी JEE एग्जाम में अपियर कर रहे हैं तो हर एक एग्जाम में आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। सो इन द सिमिलर वे, यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, नाम भी रखा है इन्होंने आइडियल सॉलिड, बहुत खूबसूरत नाम है आपका, आइडियल सॉलिड। चलो ठीक है। सो द पॉइंट इज दैट कि डिस्कस करने जा रहे हैं हम आज, फिर ऐसे ही इस तरह से कुछ सेशन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए रिलेटेड टू द यूपीपीसीएल AE। जैसे कि आप जानते हैं कि भाई वैकेंसीज आई हैं आपके पास में असिस्टेंट इंजीनियर की उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, ठीक है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के पास में, ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के पास में कि AE बनने का बेसिकली जो उनका सपना है वो कहीं ना कहीं पूरा हो सकता है, अगर जस्ट आप एंड टाइम पे सही से तैयारी को लेके चलें, एंड उसी उसी सपने को कुछ पूरा करने के लिए, उसी तैयारी को आसान बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे इसी से रिलेटेड, क्योंकि UPPCL से रिलेटेड ही कुछ सेशंस लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग आपके साथ में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, फॉर द AE एग्जामिनेशंस। एंड ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन हैं जिस तरह के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। चलिए, सो सेफ ऑन ऑडियो की पीएससी जेई सिविल 500 ओबीसी, गब्बर सिंह बता रहे हैं 500 ओबीसी यूपीपीसीएल, अच्छा यूकेपीएससी जेई। देखिए, अगर गब्बर सिंह लास्ट, हम लास्ट ईयर का कट ऑफ अकॉर्डिंगली, लास्ट एग्जाम जो हुआ था उसके अकॉर्डिंगली देखें तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी है आपका सिलेक्शन होने की। बाकी स्टिल जस्ट थोड़ा सा अभी एब्सोल्यूट टर्म्स में इसको कहना डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड है कि कुछ शायद कट ऑफ इस बार पिछले के कंपेरिजन में ऊपर जाएगी, ठीक है। बाकी लास्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो कहीं ना कहीं चांसेस तो हैं आपके पास में, लेकिन थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाने का चांस है, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में कहना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। बाकी जस्ट आप ऐसे डिपेंडेंट मत रहिए एक एग्जामिनेशन के ऊपर, कहीं ना कहीं आपके मार्क्स जो है 500 ओबीसी अच्छे मार्क्स हैं, तो और भी एग्जाम के लिए आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। आपकी जैसे कि आपके पास ड्राफ्टमैन या फिर अलग अलग एग्जाम जो आ रहे हैं, UPRVNL जो भी आपके पास में, UJVNL के जो JEE की वैकेंसीज आ रखी हैं, उसके लिए भी आप लोग तैयारी शुरू कर सकते हैं। सो सब लोग जल्दी से जल्दी भाई एग्जाम इसको बेसिकली सेशन को शेयर कर दो पहले, सब लोग ना सेशन शेयर कर दीजिए सभी लोग, आइए जल्दी से जल्दी। तो बेसिकली आज UPPCL AE से रिलेटेड हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं आपके पास, एंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एंड दीज क्वेश्चंस आर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द AE एग्जामिनेशन। आप मान के चलें कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं से डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे, एंड भाई बाकी इंजीनियर सक्सेस है एवरी एग्जामिनेशन के लिए आपके पास सेशन लेकर आ ही रहा है, हर दिन हमारा YouTube सेशन चलता रहता है, आप लोग उसको जरूर देखें, जरूर देखें, आपके एग्जाम जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं आपको उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। RNR एंटरटेनमेंट भाई जल्दी आइए सभी लोग ना, एवरीवन कम फास्ट, जल्दी से जल्दी सब लोग जुड़िए हमारे साथ में, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो जस्ट आगे चलने देखो, यस दीज आर सम बेसिक प्रोफाइल अबाउट मी, ये कुछ बेसिक प्रोफाइल है मुझसे रिलेटेड की, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो सब्जेक्ट्स, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं मेरे जो मैं पढ़ाता हूँ, नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव टॉट दीज सब्जेक्ट्स, बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूँ सब्जेक्ट्स को। इससे अलावा भी अगर आप बात करें तो टीचिंग एक्सपीरियंस, जो भी मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है अराउंड 5 ईयर, उस एक्सपीरियंस के बेस पे जिस भी बेस्ट से बेस्ट वे में मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ, आई विल ट्राई टू गाइड यू, ठीक है, वो भी बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के हिसाब से, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा इन द सेशंस ओनली, इन द सेशंस ओनली, ठीक है। सो जस्ट सभी लोग हमारे साथ में आए, एंड अपना जो बेसिकली ये UPPCL AE से रिलेटेड जो वैकेंसीज आई हैं इसकी तैयारी को करना शुरू करें, कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। एंड इससे अलावा भी गेट की अगर हम बात करें तो गेट 20
23 से रिलेटेड हमारे यहाँ पे बैच शुरू हो रखे हैं, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोई एक अच्छे से तैयारी करना चाहता है। एंड साथ साथ ये जो सेशंस हैं आपके पास में यूकेपीएससी एई यूपीपीएससी एई पीएससी अलग अलग एग्जामिनेशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। सो जल्दी सब लोग आ जाइए भाई, ठीक है, हमारे चैनल पे इंजीनियर सक्सेस मेंटर चैनल को जरूर लाइक करके जरूर जाना, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को अगर बेसिकली आपको अच्छा लगेगा सेशन। तो चलो फिर हम आगे चलते हैं, देखिएगा, यस हाँ, दिस इज अबाउट इंजीनियर सक्सेस, ये कुछ बेसिक पॉइंट मैंने आपको बताया रिलेटेड टू द इंजीनियर सक्सेस, ठीक है, दीज आर सम ऑफ अवर अवार्ड्स एंड अचीवमेंट। एंड जैसा कि हाल फिलहाल में आपका यूकेपीएससी जेई एंड एई का भी एग्जाम हुआ है, सो इतना बात फिक्स है कि लगभग नंबर ऑफ सिलेक्शन आपके इंजीनियर सक्सेस से निकलने जा रहे हैं, ये बात डन है एक तरह से कि बहुत सारे सिलेक्शन आपको इंजीनियर सक्सेस से देखने मिलेंगे। एंड जिस दिन वो रिजल्ट आएगा उस दिन यहाँ पर और भी बहुत सारे इमेजेस हम लोग अटैच कर देंगे, ठीक है, बहुत सारे अवार्ड्स एंड अचीवमेंट यहाँ पर ऐड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, यस। सो आ जाइए सभी लोग, जो भी लोग हैं आपके पास में ना, ठीक है, शुरू करते हैं उसके बाद सेशन को, ठीक। सो जैसे कि बताया कि यूकेपीएससी जेई में भी बहुत सारे सिलेक्शन होने जा रहे हैं फ्रॉम द इंजीनियर सक्सेस, इन द सिमिलर वे आपके पास वेरियस वेरियस एग्जामिनेशन में निकलते तो है ही हर जगह पे बच्चे, ठीक है। जस्ट जो सेशन हमने यूकेपीएससी जेई एंड एई से पहले लिए थे वो भी बहुत बेनिफिशियल रहे उन बच्चों के लिए जिन्होंने की बेसिकली अभी रिसेंटली एग्जाम दिया है, यस सिविल वाला, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग चार्ली वर्तवाल, गुड इवनिंग, चलिए भाई आइए सब लोग। सो शुरू करें देखो अपना, सो मेनली चलते हैं भाई आपके पास क्वेश्चंस की तरफ जिसके लिए आप यहाँ पे मेनली आए हैं, बीच बीच में कुछ बेसिक बातें जो होंगी वो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। सो क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है, सो शुरू करें क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विल बी दिस वन, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहा है, जिस भी बच्चे को जो भी आंसर लग रहा है वो जस्ट अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताएं, ठीक है, देन वी विल डिस्कस अबाउट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो जो भी आप लोगों को सही लगता है आप लोग जस्ट कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहें, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, देखिएगा क्या बोलते हैं, द शेप ऑफ द ब्रिक्स गेट डिफॉर्म्ड ड्यू टू द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द हॉट ब्रिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, ड्यू टू द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द हॉट ब्रिक, ठीक है, क्या बोलते हैं इस डिफेक्ट को, यस सब लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहे भाई, चलिए ठीक है, ए बता रहे हैं, यस वेरी गुड, करेक्ट। So the correct answer will be what? A, that defect is called as a chubbs. इसको chubbs कहा जाता है. So the important point है कि अगर bricks की shape deform हो जाए because of the rain water, so वो जो defect कहलाता है उसको हम बोलते हैं chubbs, ठीक है? This is clear for everyone. चलो, now next पे चलते हैं भाई, देखिएगा next question जो आप लोगों के पास में लेकर आ रहे हैं. Yes, चलिए again एक question है आप लोगों के पास. Efflorescence in the bricks causes due to. Efflorescence जो होता है bricks के अंदर वो मेनली किस वजह से होता है, ये चीज आपसे पूछी जा रही है, सो जस्ट ट्राई टू आंसर दिस एज वेल। देखिएगा एक्सेसिव बर्निंग ऑफ द ब्रिक्स, हाई कंटेंट ऑफ द सिल्ट इन द ब्रिक क्ले, हाई पोरोसिटी ऑफ द ब्रिक्स, या फिर प्रेजेंस ऑफ द सॉल्युबल सॉल्ट्स इन द पैरेंट क्ले, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, क्या इसके लिए करेक्ट आंसर हो सकता है, जस्ट ट्राई टू आंसर। बताइए भाई, देखिए एक बार ना, ट्राई करिए, ट्राई टू आंसर दिस, चलिए डी बता रहे हैं आंसर, यस ठीक है। सो द करेक्ट आंसर अगर हम इसकी बात करें तो प्रेजेंस ऑफ द सॉल्युबल सॉल्ट्स इन द पैरेंट क्ले, देखो याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्युबल सॉल्ट्स। एंड जस्ट यार आप याद रखिएगा, देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज दिख जाएंगे इन्हीं सेशन से इन द एग्जाम्स जो आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उनके अंदर, ठीक है। सो यूपी पीसीएल अगर हम एई की भी बात करें, सो एई के लिए भी बहुत सारी चीजें इसी में से कवर अप हो जाएंगी, जस्ट आप लोग सेशन को शेयर करते रहे, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें यहीं पे हम आप लोगों की कवर करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट के चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के पास में है, ओके, सो द नेक्स्ट ऑफ द थिंग विल बी व्हाट, चलिए इसके बारे में बताइए भाई, जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ, जस्ट ट्राई टू आंसर दिस, कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ, just try to answer this, compressibility is the reciprocal of viscosity, capillarity, specific gravity, or bulk modulus of elasticity, chaliye c bata rahe answer, theek hai, okay। सो द पॉइंट इज दैट कि अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी, भाई आप सब लोगों को पता है कंप्रेसिबिलिटी किसका रेसिप्रोकल होता है, कंप्रेसिबिलिटी विल बी रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी, यस दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो आंसर सी बेसिकली आप लोगों के सामने कहीं ना कहीं सही आ रहा है, मैंने जेई टेक्निकल अप्लाई किया
उसके लिए कितनी कट ऑफ जाती है? आप किस एग्जाम की बात कर रहे हैं गब्बर सिंह? जेई टेक्निकल अप्लाई किया, कितनी कट ऑफ जाती है, किस एग्जाम की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट पे चलिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो आ रहा है देखिएगा। ओके, इसके बारे में बता दीजिए एक बार। देखो, लॉस एंजलिस मशीन इज यूज्ड टू टेस्ट द एग्रीगेट्स फॉर। एवरीवन जस्ट ट्राई टू आंसर दिस। लॉस एंजलिस मशीन इज यूज्ड टू टेस्ट द एग्रीगेट फॉर, किसके लिए यूज की जाती है लॉस एंजलिस मशीन? ओके, सो द पॉइंट इज दैट लॉस एंजलिस मशीन इज यूज्ड टू टेस्ट द एग्रीगेट फॉर द बेसिकली एब्रेशन। यस, किसके लिए यूज करते हैं? बेसिकली एब्रेशन के लिए आप यूज करते हैं। कि होता क्या है, एक तरह से हार्डनेस टेस्टिंग का है ये। किसके लिए किया जाता है? हार्डनेस को चेक करने के लिए कहीं ना कहीं क्या करते हैं आप लोग, इस लॉस एंजलिस मशीन को यूज करते हैं, फॉर द एब्रेशन रेजिस्टेंस, फॉर द एब्रेशन रेजिस्टेंस। चलिए, सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी ना, इन द एंड ऑफ द सेशन में आपको बताऊंगा इसके बारे में क्या कट ऑफ जाने का चांसेस है। जस्ट आप हमारे साथ में एंड तक जस्ट अभी सेशन को कंटिन्यू करिए, उसके बाद इन द एंड हम कुछ देर इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट पे चलिए भाई। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के जो सामने आ रहा है स्क्रीन पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। व्हेन द टिम्बर इज बर्न्ड इन द वुड फायर ओवर अ डेप्थ ऑफ अबाउट 15 mm, ओवर अ डेप्थ ऑफ अबाउट 15 mm, द प्रोसेस ऑफ द ट्रीटमेंट इज नोन एज व्हाट? क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? जस्ट एवरीवन ट्राई टू आंसर दिस प्लीज। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ठीक है, देखिएगा। सो दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज द चारिंग प्रोसेस। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द चारिंग प्रोसेस। भाई, टिम्बर को क्या किया जाता है? बर्न किया जाता है इन द वुड फायर ओवर अ डेप्थ ऑफ अबाउट 15 mm। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द चारिंग प्रोसेस। इसको चारिंग प्रोसेस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द चारिंग प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट पे चलता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं आपके पास में भाई। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट विल बी व्हाट? जो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में आ रहा है भाई, नेक्स्ट विल बी व्हाट? यस, इसके बारे में बताइए। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड 382/1963, ए गुड एग्रीगेट शुड बी, ए गुड एग्रीगेट शुड बी। जस्ट एवरीवन आंसर प्लीज, ट्राई टू आंसर दिस। एक अच्छे एग्रीगेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये आपसे यहां से बेसिकली पूछा जा रहा है। केमिकली इनर्ट, सफिशियंटली स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड ड्यूरेबल, या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? क्या इसके लिए करेक्ट आंसर हो सकता है? जस्ट एवरीवन ट्राई टू आंसर दिस। एक गुड एग्रीगेट की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं आपके पास में? चलिए डी बता रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। भाई अगर आप बात करें तो एक अच्छा एग्रीगेट दैट शुड बी केमिकली इनर्ट, सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हार्ड एंड ड्यूरेबल भी होना चाहिए, मतलब ऑल दी ऑप्शंस फॉर दिस आर करेक्ट, ऑल दी ऑप्शंस फॉर दिस आर करेक्ट। ओके चलो ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आ रहे हैं लेके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट? सो नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आ रहा है नेक्स्ट विल बी यस। इसके बारे में देखिएगा एक बार क्या है। व्हेन द डिपॉजिट्स ऑफ द एफ्लोरेसेंस इज मोर देन 10%, इज मोर देन 10% बट लेस देन 50%, बट लेस देन 50% ऑफ द एक्सपोज्ड एरिया द ब्रिक्स द प्रेजेंस ऑफ द एफ्लोरेसेंस इज क्लासिफाइड एज। क्या बोलेंगे इसको? जस्ट एवरीवन ट्राई टू आंसर दिस प्लीज। क्या हो सकता है? एवरीवन आंसर दिस। एक अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली आपके पास, फ्रॉम द एफ्लोरेसेंस, फ्रॉम द एफ्लोरेसेंस। देखिए क्या हो सकता हैवी सीरियस, या फिर स्लाइट, या फिर मॉडरेट। देखिए क्या आंसर रहेगा इसके बारे में, जस्ट ट्राई टू आंसर दिस। बी बता रहे हैं, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, यस वेरी गुड। ओके, सो द पॉइंट इज सिंपल, आपको पता होना चाहिए दैट विल कॉल्ड इज द मॉडरेट। सो व्हेन द 10% से लेके आपका लगभग कितना 50% तक एरिया अगर कवर हो जाए किससे, फ्रॉम द पैचेस, फ्रॉम द पैचेस, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है बेसिकली मॉडरेट एफ्लोरेसेंस। उसको कहा जाता है क्या? यस, मॉडरेटली एफ्लोरेसेंट है, मॉडरेट एफ्लोरेसेंस, दैट इज कॉल्ड एज अ मॉडरेट एफ्लोरेसेंस। चलिए ठीक है, दिस इज क्लियर ना। सो नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट? यस, ये क्वेश्चन है, जस्ट ट्राई टू आंसर दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर इन द ब्रिक्स? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर इन द ब्रिक्स? जस्ट एवरीवन ट्राई टू आंसर दिस। इनमें से कौन सा मिनरल ब्रिक्स में रेड कलर के रिस्पॉन्सिबल होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। सो रेड कलर के लिए कौन सा कॉम्पोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? देखिए क्या बता रहे हैं आंसर इसके बारे में, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द ब्रिक्स। और अगर मैं मैग्नीशिया की वजह से बात करूं तो मैग्नीशिया विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर। तो याद रखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है,
येलो कलर के रिस्पॉन्सिबल होगा कौन आपके पास में, मैग्नीशिया। तो जो भी लोग हैं, जो भी आप लोगों का आंसर्स करेक्ट आंसर्स लग रहे हैं, बेसिकली आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ठीक है। सेशंस इंटरेक्टिव होता रहेगा, चीजें कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छे से डिलीवर हो पाएंगी, ठीक है। सो जो भी आप लोगों को सही लग रहा है, जस्ट एवरीवन ट्राई टू आंसर दिस, सभी लोग उसका आंसर करने का कोशिश करें, ठीक है। सो नेक्स्ट पे मैं चलता हूँ, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आ रहा है, यस जस्ट आंसर दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट बेस्ड इन द सैंड वेयर द चेंज इन द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। जस्ट एवरी वन आंसर दिस, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है इन द एग्जामिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट बेस्ड इन द सैंड वेयर द चेंज इन द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वेयर द चेंज इन द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, किस वॉल्यूम पर मैक्सिमम वॉल्यूम, किस वाटर कंटेंट पे मैक्सिमम वॉल्यूम का चेंज निकल कर आता है आपके पास में। चलिए, सो ए आंसर बता रहे हैं इसके बारे में, यस। सो द पॉइंट इज करेक्ट, आप याद रखिएगा इसका जो बेसिकली एक रेंज होता है कितना, 4 से लेके जनरली 6% का रेंज होता है, तो आप इसके अकॉर्डिंगली एक एवरेज वैल्यू बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं 5% के आसपास एक एवरेज वैल्यू बता सकते हैं भाई आप, क्या 5% आप इसकी एक एवरेज वैल्यू बता सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। चलो नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, देखिएगा नेक्स्ट द क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, चलिए इसका आंसर कर दीजिए एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, एन एग्रीगेट विच पास थ्रू 25 mm आई एस सीव एंड रिटेन्ड ओवर 20 mm सीव, ये सीव एक्चुअली ना, दिस इज एक्चुअली सीव, सीव इज सेड टू बी फ्लेकी, इज सेड टू बी फ्लेकी इफ इट्स लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन, इफ इट्स लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन। जस्ट एवरीवन ट्राई टू आंसर दिस, देखिएगा क्या आंसर होगा। देखिए क्या आंसर हो सकता है इसके बारे में, डी बता रहे हैं, चलो ठीक है देखते हैं चेक करके ना। सो सिंपल सी बात है भाई, फ्लेकी पूछा है इसने, फ्लेकी के लिए क्या होता है, द लीस्ट डायमेंशन शुड बी व्हाट, लेस देन द 3/5 ऑफ द मेन डायमेंशन, दैट शुड बी लेस देन द 3/5 ऑफ द मेन डायमेंशन। सो इसके हिसाब से अगर आप चेक करेंगे, सो 3/5 ऑफ द मेन कितना हो रहा है भाई आपके पास में, मेन मेन कितना आ जाएगा भाई, 20 plus 25 by 2। सो यहां से आपके पास जो कंडीशन बन रही है भाई 3/2 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 45 by, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं 19 into 3 27 by 2 आपके पास कितना आ रहा है 13.5 mm निकल कर आएगा। चलिए आंसर क्या बता रहे हैं भाई, डी, यस। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है भाई आपके पास में, दैट विल बी अराउंड 13.5 के आसपास आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी ना, 27 by 2। चलो ठीक है, दिस इज क्लियर ना, ओके। सो डी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर द फ्लेकी, फ्लेकी एग्रीगेट्स के लिए आपके पास में इससे छोटा होना चाहिए जो साइज है। नाउ नेक्स्ट पे चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है नेक्स्ट विल बी व्हाट, एक ये क्वेश्चन है आपके पास में, व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एप्रोक्सीमेट 7-day and 28-day स्ट्रेंथ ऑफ अ सीमेंट कॉन्क्रीट, लगभग कितना रेशियो होता है दोनों के बीच में, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं, जस्ट एवरीवन ट्राई टू आंसर दिस, क्या रेशियो होता है दोनों के बीच में, इसको बताने की कोशिश करें एक बारी, व्हाट इज द रेशियो एक्चुअली, देखिए क्या आंसर हो सकता है। देखिए याद रखिएगा सिंपल सा, जो भाई 7-day to 28-day की जो वैल्यू निकल कर आती है ना लगभग, इनका जो रेशियो होता है कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ के लिए, दैट इज अराउंड 2/3, और आप बोल सकते हैं कितना अप्रोक्सीमेटली 65 के आसपास आप बोल सकते हैं वैल्यू, 0.65, या फिर आप कह सकते हैं कितना 65% के आसपास बोल सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर ना, ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, लगभग कितना होता है इतना निकल कर आता है लगभग 7-28 days की अगर आप बात करें तो कितना आ जाएगा आपके पास में, लगभग 65% के आसपास आती है वैल्यू। चलिए नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के पास में है नेक्स्ट विल बी व्हाट, ओके यस आंसर दिस, ट्राई टू आंसर दिस, एक अच्छा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टाइम पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिट ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट दैट कैन बी अचीव्ड इन द एयर ड्राइंग प्रोसेस ऑफ द टिम्बर, दैट कैन बी अचीव्ड इन द एयर ड्राइंग प्रोसेस ऑफ द टिम्बर, जस्ट एवरीवन ट्राई टू आंसर दिस, देखिएगा क्या आंसर हो सकता है इसका, ट्राई टू आंसर दिस, अमित कुमार ने बताया बी, चलिए ठीक है भाई बिल्कुल सही बात है। देखिए होता क्या है, एयर ड्राइंग में 12 से लेकर लगभग 15% तक होता है, तो यहाँ पे एज पर द गिवन ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपका कौन सा मैच कर रहा है, 15% आपके पास क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा ना, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। चलो ठीक है, वेरी गुड,
नाउ नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट विल बी व्हाट? अच्छा इसके बारे में देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ द टिम्बर कैन बी इंप्रूव्ड बाय यूजिंग द सल एबेल्स प्रोसेस। एबेल्स प्रोसेस, कौन सी क्वालिटी को आप इंप्रूव करवा सकते हैं यूजिंग द सर एबेल्स प्रोसेस? यूजिंग द सर एबेल्स प्रोसेस कौन सी क्वालिटी इंप्रूव करवाई जा सकती है? जस्ट ट्राई टू आंसर दिस एज वेल। देखिए क्या करेक्ट हो सकता है इसके बारे में, वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? चलिए बी बता रहे हैं आंसर ना, ठीक है भाई बिल्कुल सही बात है, फायर रेजिस्टेंस। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फायर रेजिस्टेंस इज एक्चुअली इंप्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ द एबल्स प्रोसेस, विद द हेल्प ऑफ द एबल्स प्रोसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पूछा जाता है काफी बार, पूछा जाता है इन द एग्जामिनेशंस। ओके सो नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं हम आपके पास में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है भाई, इसको डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी ना, चलिए इसके बारे में बता दीजिए। उत्तराखंड पेपर 2JE एंड SJNVLJE में पूछा गया क्वेश्चन है, एवरीवन ट्राई टू आंसर दिस। देखिएगा ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो AE में भी आपके रिपीट होते हैं, इन द AE, ठीक है, क्वेश्चंस लगभग बेसिकली अगर आप बात करें तो AE में भी रिपीट होते हैं इस तरह के थ्योरी वाले क्वेश्चन। सो जस्ट मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलने की कोशिश करूंगा, इजी चीजों से लेके मैं अच्छे अच्छे लेवल धीरे धीरे हाई लेवल के क्वेश्चन के तरफ आप लोगों को लेके चलने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो जस्ट आप लोग जस्ट चीजों को अच्छे से समझते रहें, क्वेश्चन जो करवा रहे हैं उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करें, बहुत सारी चीजें आपकी इसी में कवर हो जाएंगी, ठीक है। सो जस्ट इसका आंसर कर दीजिए एक बारी, ए बता रहे हैं, चलिए भाई बिल्कुल सही बात है। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल आफ्टर द फ्री ड्रेनेज हैज रिमूव्ड मोस्ट ऑफ द ग्रेविटी वाटर। सॉइल के पास जो मॉइस्चर कंटेंट बचता है कब? जब ग्रेविटी वाटर एक तरह से क्या हो जाए, पूरी तरह से ड्रेन आउट हो जाए, पूरी तरह से उसमें से रिमूव हो जाए, तो जो मॉइस्चर कंटेंट बचता है उसको क्या बोला जाता है भाई? उसको बोला जाता है फील्ड कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड एज द फील्ड कैपेसिटी। सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर भाई, ठीक है, ए शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। चलिए क्लियर है, दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ओके। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के पास में आ रहा है, नेक्स्ट विल बी व्हाट? अच्छा देखिए एक एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, इन पेंट्स द पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, पिगमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? ट्राई टू आंसर दिस। बी, चलिए ठीक है बिल्कुल सही बात है भाई, पिगमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? कलर के रिस्पॉन्सिबल होता है, जस्ट याद रखिएगा इस पॉइंट को आप लोग, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट पे चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नेक्स्ट ओके इसके बारे में बताइए भाई, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बाउचरी प्रोसेस इज यूज, किसके लिए आप लोग बाउचरी प्रोसेस को यूज करते हैं? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बाउचरी प्रोसेस विल बी यूज, आंसर दिस प्लीज, ट्राई टू आंसर दिस। बाउचरी प्रोसेस आप लोग किसके लिए यूज करते हैं? बाउचरी प्रोसेस, टिम्बर, चलो बहुत बढ़िया भाई, यस बाउचरी प्रोसेस यूज करी जाती है टिम्बर के लिए, याद रखिएगा नाम इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। सो जस्ट यार याद रखो, आप देखो क्वेश्चन इसी तरह के आपको दिखाई देंगे इन द एग्जामिनेशंस, ये चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी जो यूके पीएससी जो एई का भी पेपर हुआ था ना अभी आपके पास में, एई वाला जो पेपर हुआ था, बहुत सारी चीजें एज इट इज सेम सेशन से थी, और जेई में भी बहुत सारी चीजें सेम टू सेम सेशन से आ रखी थी। सो एई में भी इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, जैसे कि हम यहाँ पर आपको सॉल्व करवाने की कोशिश हो रहे हैं, ये चीज आप यूके पीएससी एई से भी ऑब्जर्व कर सकते थे, ठीक है। यूकेपीएससी ए से भी चीज आप लोग क्या कर सकते हैं, एक तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें एज इट इज सेम टू सेम आ रखी थी। सो जस्ट प्रॉपरली चीजों को समझते रहे, ठीक है। और अगर देखो क्वेश्चन आसानी है मेनली आपके पास में ना, अगर जस्ट आपने सही से थ्योरी पढ़ रखी है, सो वेरी इजिली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और अगर किसी भी बच्चे ने एक बार ये थ्योरी नहीं पढ़ी ना प्रॉपरली, तो वो जस्ट एक बार अगर सीक्वेंशियल मैनर में थ्योरी को सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, सो हमारे बेसिकली ऑफलाइन बैचेस भी चालू हो रहे हैं फ्रॉम द मंडे, जो अपकमिंग मंडे आ रहा है, उनको भी बेसिकली आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आप उसके लिए भी जा सकते हैं। एक बार सीक्वेंशियल मैनर में प्रॉपर तरह से अगर आप लोग थ्योरी पढ़ लेंगे, तो उसके बाद ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लगने लग जाएंगे सारे के सारे। एंड अगर थ्योरी आपने पढ़ रखी है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम लोग आपके पास में क्या चला रहे हैं, लगातार यूट्यूब सेशन चला ही रहे, आप इनको अटेंड करते रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे आपके पास में। चलिए नाउ नेक्स्ट, अच्छा ये डिस्कस हो चुका है ना, देखिए भाई इसके बारे में देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर द विटामिन,
कौन सा टेस्ट होता है जो कि बिटुमिन के लिए आप लोग यूज करेंगे? जस्ट एवरीवन ट्राई टू आंसर दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर द बिटुमिन, बिटुमिन के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? ट्राई टू आंसर दिस, सी पेनिट्रेशन टेस्ट। अमित कुमार बता रहे हैं सी पेनिट्रेशन टेस्ट। चलिए भाई बिल्कुल सही बात है अमित कुमार, पेनिट्रेशन टेस्ट यूज करते हो आप लोग किसके लिए भाई? बिटुमिन के लिए यूज करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्ट बिटुमिन के लिए यूज किया जाता है। बाकी फाइनेस टेस्ट, एब्रेशन टेस्ट, फ्लम टेस्ट ये नहीं यूज करते हैं बिटुमिन के लिए, पेनिट्रेशन टेस्ट यूज करा जाता है। चलो ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट आप लोगों के पास में है, नेक्स्ट विल बी व्हाट, इसका देख लीजिए एक बारी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट अपीयर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एल्कलीज इन द ब्रिक्स? एल्कलीज की प्रेजेंस की वजह से ब्रिक्स में कौन सा डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एल्कलीज विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट विल बी ऑब्जर्व इन द ब्रिक्स? ट्राई टू आंसर दिस, जस्ट एवरीवन आंसर दिस प्लीज, कौन सा डिफेक्ट ऑब्जर्व होगा बिकॉज ऑफ द ब्रिक्स में एल्कलीज की वजह से? एल्कलीज की वजह से देखिएगा एक बारी। संजय सिंह बता रहे हैं भाई डी, चलिए भाई बिल्कुल सही बात है संजय, डी डी विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑफ द एल्कलीज एफ्लोरेसेंस विल बी ऑब्जर्व इन द ब्रिक्स, एफ्लोरेसेंस विल बी ऑब्जर्व इन द ब्रिक्स भाई। चलिए ठीक बात है, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिएगा नेक्स्ट आपके पास में जो आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस ट्राई टू आंसर दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मॉइस्चर कंटेंट इन अ प्रॉपरली सीजनड टिम्बर? एंड अगेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन दिस ईयर्स यूकेपीएससी एग्जामिनेशन। इस बार का जो यूकेपीएससी का पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आपके पास में पूछा गया था, ठीक है? सो जस्ट एवरीवन ट्राई टू आंसर दिस, जस्ट एवरीवन ट्राई टू आंसर दिस, देखिए भाई क्या होगा। चलिए बी बता रहे हैं भाई, बिल्कुल सही बात है, 10 से लेके 12% तक, 10 से लेके कितना होगा भाई आपके पास में? 12% तक होगा, ठीक है? दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सभी को चीज क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, देखिएगा नेक्स्ट आपके पास में जो आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस राइट आंसर दिस। अच्छा ये हो चुके ना आपके पास में क्वेश्चन सारे, इसके बारे में बताइए एक बारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ द रेजिन्स इन द एल्कोहल? Which of the following is a homogeneous solution of the resins in the alcohol? Just everyone answer this please. B. चलिए ठीक है भाई, बाकी लोग क्या कहते हैं इसके बारे में? आइडियल सॉल्ट B बता रहे हैं आंसर, D. अमित कुमार, देखो अमित कुमार सही बोल रहे हैं कहीं ना कहीं, क्या वार्निश? संजय सिंह भी यस ए बता रहे हैं, यार वार्निश शुड बी द करेक्ट आंसर ना भाई, वार्निश विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। चलिए गब्बर सिंह ने बिल्कुल सही बताया है कि भाई होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ द रेजिन्स इन द एल्कोहल क्या होता है? वार्निश होता है, वार्निश। चलिए ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे चले भाई, नेक्स्ट विल बी व्हाट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास में आएगा भाई नेक्स्ट, यस इसको डिस्कस कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी ना, इसका बताइए भाई। टेम्परिंग इज द प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, टेम्परिंग इज द प्रोसेस जो कि यूज की जाती है किसमें? इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, बताइए इसके बारे में एक बारी, आंसर दिस प्लीज। टेम्परिंग इज द प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, अमित कुमार का आंसर ए है, ठीक है बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। ब्रिक्स, ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं आप लोग किसको? टेम्परिंग प्रोसेस को, टेम्परिंग विल बी यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक्स। चलिए भाई बिल्कुल सही बात है, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आ रहा है, नेक्स्ट विल बी व्हाट, चलिए इसके बारे में बता दीजिए एक बार ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स टू द कॉन्क्रीट मिक्स इज नॉट इन कंफर्मेशन टू द आर्बिट्ररी मेथड ऑफ द प्रोपोर्शनिंग, बताइए भाई एक बार इसके बारे में, जस्ट ट्राई टू आंसर दिस प्लीज, आंसर दिस एवरीवन, आंसर दिस। डी, अमित कुमार ने डी बताया, चलिए भाई बिल्कुल सही बात है अमित कुमार ना। देखिए होता क्या, रेशियो एक्स इज टू वाई इज टू जेड एंड ये क्या रहता है, डबल होता है एक दूसरे का ना, और ये क्या होता है, वन होता है। सो इसके हिसाब से आप देखेंगे ये 1 1 2 सही बात है, 1 2 4 सही बात है भाई, डबल है ना, और ये भी क्या है, डबल है, और ये भी क्या है, डबल है, लेकिन ये डबल नहीं है, सो ये सही नहीं है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपके पास में? डी विल बी द करेक्ट आंसर ना, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए सही बात है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा भाई, नेक्स्ट विल बी व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस आंसर दिस प्लीज, राइट टू आंसर दिस।
The process of the proper and the accurate measurement of concrete ingredients for the uniformity of the proportioning is known as what? क्या बोलते हैं इसको? Just everyone try to answer this. देखिए एक बार इसके बारे में भाई क्या होगा आंसर. The process of the proper and accurate measurement of the concrete ingredient for the uniformity of the proportioning is called as what? A. बिल्कुल सही बात है भाई अमित कुमार. बैचिंग. इसको क्या कहा जाता है? बैचिंग कहा जाता है. याद रखिएगा proper and the accurate measurement of the concrete ingredient for the uniformity of the proportion. That will be called as what? इसको बैचिंग कहते हैं. That process is called as the batching. Batching कहते हैं इसको. चलो भाई now next. यार देखो अगर session अच्छा लग रहा है तो भाई इसको share जरूर करना. ठीक है share करना and like जरूर कर देना जाते जाते अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं तो. And अपना response आप comment box में भी बता सकते हैं. आप अपना रिस्पॉन्स जैसा भी आप लोगों को लग रहा है बेसिकली जो भी आपका फीडबैक है आप वो चीज़ कहाँ पे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी बताते रहे. कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा मोटिवेशन एनर्जी लेवल बढ़ता है टीचर का सुन के देखने के बाद. इंप्रूवमेंट का चांस मिलता है उससे. ठीक है चलिए नाउ नेक्स्ट चलिए भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है. यस नेक्स्ट क्वेश्चन. जस्ट एवरीवन ट्राई टू आंसर दिस. द कॉन्क्रीट क्यूब्स एज प्रिपेयर्ड क्योर्ड एंड टेस्टेड अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड कोड. कोड पूछा है आपसे कौन सा कोड होता है बताइए भाई. ट्राई टू आंसर दिस. कौन सा कोड होगा आपके पास? जस्ट आंसर दिस. कौन सा कोड होता है आपके पास में? बी. अमित कुमार का आंसर बी है. सही बात है बिल्कुल. चलिए भाई बिल्कुल सही बात है. देखिए कौन सा कोड होता है आपके पास? इंडियन स्टैंडर्ड 516 विल बी द कोड. IS 516 यूज किया जाता है. इंपॉर्टेंट कोड है याद रखिएगा. Concrete cube testing will be done as per the Indian standard 516. As per the Indian standard 516, 516 के हिसाब से किया जाता है. चलो now next पे चलते हैं भाई. Next question आप लोगों के पास में है. Yes, this is the next question. The indentation provided in the face of the bricks is called as what? क्या बोला जाता है इस चीज को? इसको क्या कहते हैं भाई आप लोग? A. अमित कुमार आंसर बता रहे हैं A. चलिए ठीक है भाई बहुत बढ़िया. अमित कुमार का आंसर आ रहा है ए फ्रॉग. यस दैट इज कॉल्ड एज द फ्रॉग. एक्चुअली इसको फ्रॉग कहा जाता है भाई. सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पे सेशंस में एक्टिव हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपने आंसर्स बताते रहें. ठीक है अपने कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताते रहें सभी के सभी बच्चे जो भी यहाँ पे कनेक्टेड हैं. ओके कमेंट में अपने आंसर जरूर बताते रहें. ठीक है चलिए UKPSC JEE की कट ऑफ बता दीजिए. UKPSC JEE की देखिए कट ऑफ तो डिपेंड करेगा आपका बेसिकली बहुत सारी चीजों पे. एवरेज परफॉर्मेंस कैसा रहता है बच्चों का उसके बेस पे कट ऑफ डिसाइडेड होगी. ठीक है उसके बेस पे कट ऑफ डिसाइड करी जाएगी. इस समय तो प्रेडिक्ट कर पाना कि एब्सोल्यूट टर्म्स में क्या कट ऑफ रहेगा वो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. मोस्ट ऑफ द बच्चों का जैसा जैसा परफॉर्मेंस रहा होगा उसके बेस पे आपका एक एब्सोल्यूट कट ऑफ बन कर आएगी ना. चलिए सो नेक्स्ट पे चले भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में. यस आंसर दिस प्लीज. टॉप डायमीटर बॉटम डायमीटर एंड द हाइट ऑफ द स्टील मोल्ड. क्या पूछा है इसने भाई? टॉप डाया पूछा है बॉटम डाया पूछा है एंड हाइट पूछा है किसका? स्टील मोल्ड का. देखिएगा ट्राई टू आंसर दिस भाई. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? देखिए भाई क्या होगा आंसर? गब्बर सिंह कह रहे हैं सर 580 प्लस आ रहे हैं. 580 प्लस आ रहे हैं. अगर आपका 580 प्लस आ रहा है एंड आई गेस मेरे ख्याल से आप गर्ल हैं. ठीक है सो आपका मान के चलिए कि मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आपका हो जाएगा. ठीक है सर 580 प्लस आ रहे हैं एंड गर्ल हैं आप तो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं जनरल फीमेल. यस सो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि हो जाएगा आपका. ठीक वैसे तो चांसेस पूरे हैं कि इतने में हो जाएगा आपका. ठीक है चलिए दिस इज क्लियर ना. सो आंसर क्या आएगा इसका भाई? जस्ट ट्राई टू आंसर दिस. बाकी आप जस्ट अदर चीजों की भी तैयारी देख सकते हैं कंटिन्यू रख सकते हैं. आपके पास अदर एग्जाम भी आ ही रहे हैं मार्केट में ना. जैसे ड्राफ्टमैन का आने वाला है पोस्ट आपके पास में. राजस्थान की वैकेंसीज आ रखी है. ठीक है इनके अलावा उन सब के लिए भी आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें जब तक उधर से पूरी तरह से प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ जाता. जब तक उधर से पूरी तरह प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ जाता ना फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक उसको ऐसे खाली उसी पे डिपेंडेंट मत रहिएगा. अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा. अपना जो तैयारी चल रही है उसको एक साथ फोकस में प्रॉपर वे में लेके चलिएगा आगे भी कंटिन्यू. ठीक है मिनिमम नहीं बोल रहा हूं. चलिए भाई नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या है आपके पास में? इसका आंसर बताइए भाई. टॉप कितना होगा? टॉप 10, बॉटम कितना? जी 20, हाइट कितना हो जाएगा? जी 30. सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर ना. ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई. नेक्स्ट. यस इसका आंसर करिए एक बारी.
ओलेइक एसिड में भी यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ओलेइक एसिड किसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, ओलेइक एसिड किसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, जस्ट एवरीवन ट्राई टू आंसर दिस। बी, चलिए भाई, ओलेइक एसिड यूज करा जाता है किसकी मैन्युफैक्चरिंग में, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हाइड्रोफोबिक सीमेंट, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। चलिए, अमित कुमार बता रहे हैं बी, बाकी लोग क्या कहते हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहे, ठीक है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर ना, बी विल बी द करेक्ट आंसर, हाँ सही बात है, बिल्कुल, थोड़ा सा पेशेंस रखिए क्योंकि आंसर ऑफिशियल की क्या रहती है, इसके अलावा बाकी लोगों का परफॉर्मेंस कैसा रहता है उसी के बेस पे फाइनल आंसर की डिसाइड होगी। बाकी मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ इसी के बेस पे, इसी पे डिपेंडेंट मत रहिएगा, ऑलरेडी आप लोगों की तैयारी अच्छी है उसको आगे भी कंटिन्यू रखिएगा, अदर जो एग्जामिनेशन आ रहे हैं उनमें भी अपियर करो, उनमें भी ट्राई करो, तो खाली इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। बाकी वैसे जिस तरह के आपने मार्क्स बताए उसके हिसाब से चांसेस हैं कि आपका काम हो जाएगा आराम से, सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी तो है, ठीक है, क्योंकि जनरली कट ऑफ जो रहेगा वो मेरे ख्याल से जनरल गर्ल्स का इसमें भी हो जाना चाहिए, बाकी फिर भी अदर के लिए भी तैयार करते रहिएगा खुद को। सो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट, यस आंसर दिस प्लीज, द कॉन्क्रीट सैंपल इज क्योर्ड एट 15 डिग्री सेल्सियस फॉर 28 डेज, ठीक है, इफ द ओरिजिन टेम्परेचर इज -11 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द मैच्योरिटी डिग्री सेल्सियस पर डे में पूछ रहा है भाई, कॉन्क्रीट की क्या होगी मैच्योरिटी पूछ रहा है, जस्ट एवरीवन ट्राई टू आंसर दिस, देखिए भाई क्या होगा इसका आंसर, करिए एक बार ना, डी टी, चलो भाई बहुत बढ़िया, देखो क्या होगा सिंपल सा, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी की मैं अगर आपसे बात करूं तो भाई क्या होता था, आप सबको पता है, समीशन ऑफ द टाइम इनटू टेम्परेचर, नाउ एक सेकंड, यस देखिए, सो यहां पे आपको टाइम दे रखा है भाई, टाइम कितना दिया है आपको, 28 डेज दिया है ना, नाउ इनटू अगर आप टेम्परेचर की बात करेंगे तो ओरिजिन टेम्परेचर कितना दे रखा है, -11 दे रखा है, सो -11 से ऊपर देखेंगे कितना होगा, यानी कि -11 से ऊपर कितना हो जाएगा भाई, +15 तक पहुंचने में दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, लगभग कितना हो जाएगा, 15 और -11 तो कितना हो गया लगभग आपके पास में, 15 + 11 दैट इज 26 डिग्री सेल्सियस विल बी द टेम्परेचर ना, सो टेम्परेचर कितना हो जाएगा 26, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो सॉल्व करने पे लगभग आपके पास में जो कैलकुलेशन करके आएगा मैच्योरिटी आ जाएगी लगभग 728 के आसपास आपके पास मैच्योरिटी निकल कर आएगी। सो दिस इज क्लियर ना, मैच्योरिटी कितनी आएगी भाई, 728 के आसपास आपके पास क्या आ जाएगी, मैच्योरिटी आ जाएगी। चलिए नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहे हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, टेराकोटा, टेराकोटा से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जस्ट एवरीवन आंसर दिस प्लीज, टेराकोटा इन द बिल्डिंग्स इज यूज्ड फॉर, टेराकोटा बिल्डिंग्स में आप किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, देखिए एक बार बताइए इसके बारे में भाई, देखिए टेराकोटा किसके लिए यूज किया जाता है, अमित कुमार बता रहे हैं आंसर बी, बाकी लोग क्या कहते हैं भाई, चलिए देखिए, टेराकोटा जो होता है आपका यूज किया जाता है फॉर द ऑर्नामेंटल पर्पस, याद रखिएगा जो बिल्डिंग में सजावटी कार्य होते हैं, बिल्डिंग को सुंदर बनाने के लिए जो काम किए जाते हैं ना, उनके लिए आप यूज करते हैं किसको भाई, टेराकोटा को यूज करते हैं ऑर्नामेंटल वर्क के लिए, सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। चलिए थैंक यू एवरीवन, यस थैंक यू सायरा, आपकी मैराथन सेशन बहुत हेल्पफुल था, जस्ट आप बेसिकली चीजों को ऐसे ही सीरियसली लेते रहे, मैराथन सेशन में मोस्टली वही क्वेश्चन कराए जाने की कोशिश रहती है जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ठीक है। सो अगर जो भी आगे भी मैराथन होंगे आप उनको भी सीरियसली अटेंड करो तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा उस एग्जाम में भी जिसके लिए आप आगे अपियर करने वाले हैं, ठीक है। मैराथन में मोस्टली कोशिश वही होती है, उन्हीं सब क्वेश्चन को कराने की कोशिश होती है जो कि आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं या फिर आते हैं जिस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए भाई नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास में आ रहा है, नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट ट्राई टू आंसर दिस, जस्ट आंसर दिस, द डिफेक्ट इन द टिम्बर दैट अराइजेस ड्यू टू द स्वेलिंग कॉज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ द लेयर ऑफ द सैपवुड ओवर द वाउंड्स आफ्टर द ब्रांच इज कट,
तो बेसिकली स्वेलिंग पूछ रहा है. जस्ट एवरीवन आंसर दिस, ट्राई टू आंसर दिस. क्या होगा देखिएगा भाई. अमित कुमार आंसर बता रहे हैं डी. आकाश सिंह ने आंसर बताया सी. भाई देखिए सिंपल सी बात है, स्वेलिंग स्वेलिंग के बारे में पूछ रहा है. तो स्वेलिंग मींस व्हाट, दैट विल बी कॉल्ड एज अ रिंडगॉल. रिंडगॉल डिफेक्ट आपको पता है किस तरह का होता है. रिंडगॉल इस तरह से सरफेस क्या कर जाए, एक स्वेल्ड सरफेस, इसको क्या बोलते हैं, रिंडगॉल कहते हैं. सो आपके पास में क्या आंसर निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस ना, रिंडगॉल बोलेंगे इसको. चलिए भाई दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के जो पास में है, नेक्स्ट विल बी व्हाट, नेक्स्ट यस. देखो फिर से एक क्वेश्चन आ गया आपके पास में मैच्योरिटी का. इसके बारे में मैंने अभी बताया भी था जस्ट आपको दो मिनट पहले. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द मैच्योरिटी ऑफ द कॉन्क्रीट सैंपल. देखिए भाई क्या होगा इसमें, जस्ट आंसर दिस प्लीज. ए बता रहे हैं अमित कुमार, आंसर बता रहे हैं ए. बाकी लोग क्या कहते हैं भाई, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहे. देखिएगा मैच्योरिटी मीन्स टाइम इंटू टेम्परेचर. सही बात है बिल्कुल भाई, अभी बताया था दो मिनट पहले फॉर्मुला ना, टाइम इंटू टेम्परेचर क्या कहलाता है आपका, मैच्योरिटी कहलाता है. इसको क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी कहते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा न्यूमेरिकल के हिसाब से भी एंड जस्ट थ्योरी के हिसाब से भी. चलिए सही बात है. बाकी क्या कह रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई. देखिएगा नेक्स्ट आपके पास में जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट. अच्छा इसका बता दीजिए, द फाइनेस्ट ऑफ द सीमेंट कैन बी फाइंड आउट बाई इंडियन स्टैंडर्ड सीव, इंडियन स्टैंडर्ड सीव एनालिसिस यूजिंग आईएस सीव नंबर. बताइए एक बार इसके बारे में जस्ट, आंसर दिस प्लीज. देखिएगा भाई क्या होगा नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे आंसर करिए. सी, बाकी लोग देखिए भाई आंसर दिस प्लीज. चलिए सी, यस वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है भाई. आंसर शुड बी व्हाट, सी दैट इज 9. इंडियन स्टैंडर्ड नंबर 9 सीव यूज करी जाती है. एंड मैं अगर आपसे साइज भी बताऊं तो लगभग कितना होगा, 90 माइक्रोन साइज रहता है भाई. याद रखिएगा साइज कितना रहता है भाई आपके पास में, 90 माइक्रोन विल बी द साइज. चलिए भाई 90 माइक्रोन विल बी द. यस बिल्कुल सही बात है, सी विल बी द करेक्ट आंसर. आपको पढ़ा बिल्कुल, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है. बाकी आप जो भी सारे के सारे YouTube पे हमारे यहाँ पे सेशन होते हैं उनको जस्ट अच्छे से सीरियसली देखें, डेफिनेटली आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा. मोस्टली हर एक फैकल्टी, जितने भी फैकल्टी टीचर्स हैं हमारे यहाँ पे, सारे के सारे अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे आपको. ठीक है, डेफिनेटली आप उस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे कि आप जो एग्जाम देंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सेशन से ही आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे देखने को. चलिए भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चले भाई. नेक्स्ट आपके पास में क्या है, नेक्स्ट ये जस्ट ट्राई टू आंसर दिस. द ऑपरेशन ऑफ कन्वर्टिंग लाइमस्टोन इनटू द क्विक लाइम बाय हीटिंग इट टू अ टेंपरेचर ऑफ 900 डिग्री सेल्सियस एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज व्हाट. क्या बोलते हैं भाई इस प्रोसेस को, जस्ट आंसर दिस प्लीज. बी अमित कुमार बता रहे हैं बी. बाकी लोग क्या कहते हैं भाई इसके बारे में, यस yes, सही बात है भाई बिल्कुल. That is called as a calcination. सही बात है. Yes, that is called as a calcination. इसको calcination कहा जाता है. That process is called as a calcination actually. चलिए. Very good. Now, next पे चलते हैं भाई. Let's move to the next of the question. Next question आपके पास में जो आ रहा है, next will be what? Next question है, चलिए इसके बारे में बता दीजिए. The paint that are most resistant to the fire, the paint that are most resistant to the fire is called as what? क्या बोलते हैं इस paint को जो कि most resistant होता है किसके लिए? Fire के लिए. Just answer this. क्या बोलते हैं इसको, एस्बेस्टस. चलो अमित कुमार बता रहे हैं सी आंसर. बाकी लोग क्या कहते हैं भाई इसके बारे में, सायरा. चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. यस दैट इज कॉल्ड एज एस्बेस्टस पेंट. याद रखिएगा भाई, फायर प्रूफ पेंट भी इसको कहा जाता है, एस्बेस्टस पेंट. क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया. नाउ नेक्स्ट भी चलते हैं भाई. नेक्स्ट आपके पास में जो क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट. चलो इसका आंसर बता दो एक बारी. Compaction of the concrete helps in the segregation of the aggregate, removal of the excess water, increase of the density of the addition of the required air voids. किस में help करेगा compaction आपकी? Compaction आपकी किस चीज में help करता है? Just answer this please. C. चलिए अमित कुमार का आंसर आया है C. Yes, ठीक है, very good. बाकी लोग क्या कहते हैं भाई? चलिए सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई. कॉम्पेक्शन अगर आप करेंगे ना कॉन्क्रीट का कॉम्पेक्शन आपकी जो डेंसिटी होता है ना उसको बढ़ाने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट, जिससे कि उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती हैं. चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के जो पास में आ रहा है, नेक्स्ट विल बी व्हाट, चलो इसका बता दीजिए, हाउ मेनी मेथड्स ऑफ द बैचिंग ऑफ कॉन्क्रीट आर देयर, बैचिंग करने के कितने तरीके होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है इन द क्वेश्चन, इंक्रीज ऑफ द डेंसिटी। चलो बैचिंग के तरीके बताइए भाई, हाउ मेनी मेथड्स ऑफ बैचिंग आर देयर, बैचिंग के कितने तरीके होते हैं ये चीज आपसे कहीं ना कहीं पूछ रहे हैं इन दिस क्वेश्चन, जस्ट आंसर दिस प्लीज। ए, अमित कुमार का आंसर है ए, ठीक है सही बात है बिल्कुल। बाकी लोग क्या कहते हैं भाई इसके बारे में, ए, दो तरीके होते हैं ना, एक वेट बैचिंग होता है और दूसरा कौन सा वॉल्यूम बैचिंग होता है ना, वेट वेट बैचिंग एंड दूसरा कौन सा होगा भाई आपके पास में, वॉल्यूम बैचिंग होगा, वेट बैचिंग एंड द वॉल्यूम बैचिंग, बिल्कुल सही बात है, दो तरीके होते हैं। नाउ नेक्स्ट पे चलता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास में है, नेक्स्ट विल बी व्हाट, यस जस्ट आंसर दिस प्लीज। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द विंड स्पीड, विंड स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस आप लोग यूज करते हैं ये आपसे पूछ रहा है, विंड स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है ये पूछा जा रहा है, जस्ट आंसर दिस, आंसर दिस प्लीज। सी, चलिए बिल्कुल सही बात है भाई, क्या यूज करते हैं आप लोग, एनीमोमीटर यूज करा जाता है विंड स्पीड को मेजर करने के लिए, क्या यूज करते हैं आप, एनीमोमीटर यूज करते हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनीमोमीटर, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के जो पास में आ रहा है, नेक्स्ट विल बी व्हाट, अच्छा इसका देखिएगा जरा एक बार ना, जिप्सम इज एडेड टू द सीमेंट, जिप्सम आप ऐड करते हैं सीमेंट में किस चीज के लिए, जिप्सम इज एडेड टू द सीमेंट फॉर व्हाट पर्पस, आंसर दिस प्लीज। जस्ट आंसर दिस, काउंटरेक्ट द C3A, बिल्कुल सही बात है भाई, C3A के इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं इसके अंदर, जिप्सम को यूज करते हैं, जिप्सम को यूज करते हैं, बिल्कुल बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा देखो एक कल के लिए भी मैं आप लोगों को चीज बताता हूं, एक्चुअली कल ना, कल मॉर्निंग में 11 AM, कल मॉर्निंग 11 AM जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन की वो तैयारी कर रहा हो, किसी भी JEE AE की तैयारी वो कर रहा हो, कल हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं इन द मॉर्निंग 11 AM से एक मैराथन सेशन, एंड मैराथन सेशन आप लोग मान के चलें कि लगभग 11 बजे से लेके अराउंड 5 आवर्स का, लगभग कितने घंटे का मैराथन सेशन होगा भाई, लगभग 5 घंटे के आसपास का मैराथन होगा। अब आप खुद से सोच के देखें कि लगभग ये मैंने 5 आवर मिनिमम ड्यूरेशन बताई है, 5 से लेके लगभग मान के चले आप लोग 5 से लेके 5.5 घंटे के आसपास का मैराथन सेशन हम लोग आप लोगों के लिए रखने जा रहे हैं, कितने बजे से भाई आपका साढ़े बेसिकली 11 बजे से इन द मॉर्निंग, सो 11 बजे सब लोग प्रेजेंट रहे ओनली एट इंजीनियर सक्सेस, लगभग 5 से लेके 5.5 घंटे का मैराथन सेशन हम लोग आप लोगों के लिए डिस्कस करेंगे कल, एंड चाहे कोई भी AE एग्जाम हो या फिर JEE एग्जाम हो, मैं इतना एश्योरिटी आप लोगों को कर देता हूं कि किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज सेम टू सेम मैराथन से दिख जाएंगे, सेम मैराथन से दिख जाएंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन, यस बिल्कुल सही बात है, ऑल सब्जेक्ट्स मोस्टली कोशिश रहेगी सारे के सारे सब्जेक्ट कवर अप करेंगे इसमें, जितने भी सिविल इंजीनियरिंग में हो सकते हैं, सोम FM RCC स्टील स्ट्रक्चर्स सॉइल एनवायरमेंट बिल्डिंग मटेरियल सब सब्जेक्ट इसमें कवर होंगे, सो जस्ट आप सभी लोग कल के डेट में 11 बजे से प्रेजेंट रहे हमारे साथ में, और अराउंड मान के चलो मेरे ख्याल से 250-300 क्वेश्चन हम लोग आपके इसके डिस्कस करेंगे यहाँ पे, टारगेट रहेगा लगभग आपके पास में अराउंड कितने क्वेश्चन होगा, 300 क्वेश्चन का लगभग टारगेट रहेगा, सो जस्ट एवरीवन ज्वाइन करें सभी लोग, ठीक है सब लोग ज्वाइन करें, लगभग 300 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके यहाँ पे मैराथन सेशन, सो मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए भाई इस सेशन की इंफॉर्मेशन को भी अभी सबने अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है कि कल एक मैराथन होने जा रहा है फिर से आप लोगों के पास में, ठीक है चलो। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, जो बेसिकली हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई, इसका ध्यान रखिएगा सभी लोग। चलो भाई नेक्स्ट आप लोगों के पास में जो है, नेक्स्ट विल बी व्हाट, इसका बताइए एक बारी, अगेन देखो फिर से ये क्वेश्चन आया है आपका इस बार फिर ये क्वेश्चन आपका आ रखा है इन द UKPSC, सभी लोगों ने देखा भी होगा ये क्वेश्चन, जिसने भी UKPSC का एग्जाम दिया है उसको ये क्वेश्चन UKPSC में दिखा होगा, चलो भाई अमित कुमार बता रहे हैं बी, बिल्कुल सही बात है भाई अमित कुमार, 0.0347 क्यूमैक्स कितना होता है, 0.0347 क्यूमैक होगा ना आपके पास, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के जो पास में है, नेक्स्ट विल बी व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके पास में, नेक्स्ट क्या है, यस दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन,
The air permeability test of the cement is conducted to find out what properties find out with the help of the air permeability test. Air permeability test की help से आप कौन सी property को पता करते हैं, ये चीज आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं, बताइए भाई एक बार इसके बारे में. अमित कुमार का आंसर आ रहा है क्या, डी, बिल्कुल सही बात है भाई, बहुत बढ़िया. क्या पता करते हैं आप लोग, फाइननेस पता करते हैं, फाइननेस विल बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द एयर परमेबिलिटी टेस्ट. चलिए भाई बिल्कुल सही बात है. नाउ नेक्स्ट पे चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास में है, नेक्स्ट विल बी व्हाट. अच्छा इसके बारे में बता दीजिए, देखो द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन अ गुड ब्रिक, इन अ गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन. एल्यूमिना का परसेंटेज पूछ रहे हैं भाई आपसे, कितना होता है लगभग एक अच्छी ब्रिक के अंदर. एवरीवन ट्राई टू आंसर दिस. डी, चलिए यार डी क्यों बता रहे हो सभी लोग भाई, बी होगा ना, सूरज पंत कंफ्यूजन में है शायद. एलुमिना कितना होता है, 20 से 30% तक होगा ना आपके पास में, दैट विल बी अराउंड 20 से लेके 30% तक होगा. चलिए भाई नेक्स्ट आपके पास में जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में देखिएगा, ड्राई रॉट, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ड्राई रॉट डिफेक्ट में क्या होता है, चलिए भाई बिल्कुल सही बात है भाई, ड्राई रॉट. ड्राई रॉट में एक्चुअली क्या होता है, रिड्यूसेस द टिम्बर टू द पाउडर. टिम्बर किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए. बाकी यार देखो ये आज के लिए जो बेसिकली क्वेश्चंस मैंने अराउंड आपसे लगभग 45 क्वेश्चन आपसे मैंने डिस्कस करे, एंड मैं श्योरिटी करता हूं कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इन्हीं सेशंस में से मिल जाएंगे, इसी में से दिख जाएंगे आपको कुछ क्वेश्चंस. तो चलिए, सो दिस इज अबाउट द टुडे सेशन, और मैंने कल के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बताई है. कल 11 AM से याद रखिएगा सभी लोग, सेशन को शेयर कर दीजिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेई की, एई की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम में काम आएगा ये सेशन. लगभग अराउंड मान के चलें 5 घंटे, 5 hours के आसपास का आपका बेसिकली सेशन होने जा रहा है. एंड इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अराउंड 300+ क्वेश्चंस, लगभग 300 से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग डिस्कस करेंगे. यस, लगभग आपके पास में मान के चलिए 300 से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग आपके पास में इसके डिस्कस करेंगे. अराउंड अगर बात करें तो 300 से ज्यादा क्वेश्चंस, एंड बहुत सारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आपको इन्हीं में से दिख जाएंगे. सो सभी लोग जरूर प्रेजेंट रहिएगा इस सेशन में, एंड एज मैक्सिमम एज पॉसिबल इसको जरूर शेयर करिएगा. ठीक है, इसको जरूर शेयर करिएगा. इन दी एंड में जस्ट अगर आपसे बताऊं तो द पॉइंट इज दैट कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अगर आप लोगों ने तैयारी नहीं करी है बेसिकली एक प्रॉपर वे में, सिविल इंजीनियरिंग की सिलेबस सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं, प्रॉपर थ्योरी नहीं पढ़ी है, सो उसके लिए हमारे पास में ऑफलाइन बैचेस जो है वो ओपन है. ऑफलाइन बैचेस के लिए आप लोग जा सकते हैं. ऑफलाइन बैचेस में कहीं ना कहीं आपको बेसिकली अच्छे से बहुत डिटेलिंग में सारी की सारी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, जिससे कि कल की डेट में आप किसी भी एग्जाम के लिए टारगेट कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम के बारे में आप लोग सोच सकते हैं. ठीक है, बाकी किसी तरह की कोई क्वेरी है सो जस्ट कॉल ऑन दीज नंबर्स, इन नंबर पे कॉल करें. ठीक है, और बाकी अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है पहले प्रॉपरली तो उसके लिए भी हम लोग आपके पास में क्वेश्चन सेशन रखी रहे हैं कंटिन्यूअसली, उनको आप अटेंड करते रहें, प्रैक्टिस होती रहे कि आपके पास एक अच्छे से क्वेश्चंस की. थ्योरी के लिए हमारे पास एडमिशन ओपन है बैचेस के लिए, मंडे से मॉर्निंग से 10 AM से लगभग बैच शुरू हो रहा है, सो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं. अगर किसी को भी कोई क्वेरी है या फिर आपका कोई फ्रेंड है जो कि तैयारी करना चाहता है, सीखना चाहता है अच्छे से थ्योरी को, तो उसके लिए यहाँ पे जस्ट आपको मैंने बता दिया है. इन दी एंड में अगर बात करूं आपसे, यस दिस इज अबाउट द इंजीनियर सक्सेस, जैसा कि यहां पे लिखा है हाईएस्ट सक्सेस रेशियो, और ये हाईएस्ट सक्सेस रेशियो वाली जो चीज है, अगेन ये चीज आपकी प्रूव होने जा रही है कब, जैसे ही आपका UKPSC का रिजल्ट आएगा, जैसे ही आपका UKPSC JEE एंड AE का रिजल्ट आएगा, ये चीज आपकी अगेन प्रूव होगी कि यस हाईएस्ट सक्सेस रेशियो है इन उत्तराखंड. अगर आप बात करें सो नंबर ऑफ सिलेक्शंस आर गोइंग टू कम, बहुत सारे सिलेक्शन आने जा रहे हैं आपके किसमें, UKPSC JEE एंड AE में फ्रॉम द इंजीनियर सक्सेस, सो ये चीज अगेन प्रूव होने वाली है. बाकी बात करें सो टेस्ट सीरीज हम लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसको आप जरूर देते रहे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए. ठीक है, हमारा ऐप है, ऐप पे जाकर आप दे सकते हैं. ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दोनों रूम कोर्सेज आपके पास में अवेलेबल है. ठीक है, दोनों कोर्सेज आपके पास में अवेलेबल है. सो कोर्सेज की अगर बात करें सो दोनों अवेलेबल हैं. ऑफलाइन के लिए मैंने आपको बताया बैचेस शुरू भी हो रहे हैं, आप जाना चाहे तो उसके लिए जा सकते हैं. प्रॉपर अच्छे से वे में आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, पूरी थ्योरी को पढ़ सकते हैं प्रॉपर वे में. ठीक है, नेक्स्ट मैं अगर आपसे बात करूं यार, ये सब प्लेटफॉर्म से जहां पर आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, देखो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग,
ऐप पे बहुत सारी थ्योरी आप लोगों को मिल जाएगी। कोई थ्योरी प्रॉब्लम होता है, कोई भी पॉइंट होता है, वो आप लोग ऐप पे थ्योरी चेक कर सकते हैं हमारी ना। टेस्ट सीरीज भी हमारी यहीं पे अवेलेबल है बेसिकली ना। टेस्ट सीरीज की आपसे बात की थी, टेस्ट सीरीज भी यहीं पे आपको मिलेगी। इन दी एंड यार चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा भाई, लाइक कर दीजिएगा सेशन को जितना हो सके, ठीक है ना। नाउ टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर वी आर अवेलेबल। आप कहीं पे भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी चीजों को शेयर कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को शेयर कर सकते हैं। एंड इन दी एंड ये नंबर्स हैं, किसी तरह का भी कोई पॉइंट हो, कोई क्वेरी हो, सो इन नंबर्स पे कॉल करके, इन नंबर्स पे मैसेज डाल के आप अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी परेशानी अगर आप लोगों को है, सर आपके हिसाब से सेफ स्कोर इंटरव्यू के बाद कितना हो सकता है? देखिए अगर हम बात करें तो अगर मैं जनरल बॉयज की बात करूं, सो मुझे जो एज पर था, मुझे जो पर्सनली एक्सपीरियंस आ रहा है या फिर मुझे जो एक्सपेक्टेशन है, अराउंड 700 के आसपास, 700 प्लस मान के चलिए आप, जनरल बॉयज के लिए मैं बता रहा हूं लगभग आपको ये चीज। इसके अलावा अगर आप ओबीसी में हिसाब से बात करेंगे, ओबीसी बॉयज के हिसाब से बात करें, सो ओबीसी बॉयज के हिसाब से मेरे अकॉर्डिंगली 600 के आसपास आपका जाने का चांसेस है, अराउंड 600 के आसपास आपका जाने का चांसेस है। ये मैं अपना पर्सनली बेसिकली बता रहा हूं जो मेरे को लग रहा है, लास्ट ईयर कट ऑफ को देख के, लास्ट टाइम कट ऑफ को देख के। एंड ये भी है कि इस बार थोड़ा तो हाइक रहेगा देखो पहले के कंपैरिजन में। सो ये बेसिकली मेरे को चांसेस लग रहा है कि बॉयज जनरल में लगभग 700 के आसपास जाने का चांस है, एंड ओबीसी में लगभग 600 के आसपास आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका हो जाएगा मेनली, ठीक है। इसके अलावा अगर आप गर्ल्स में बात करें, सो ओबीसी गर्ल्स की अगर हम लोग बात करें, तो ओबीसी गर्ल्स में मुझे लगता है कि 500 के आसपास भी अगर किसी बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं, सो मेरे ख्याल से उसका आराम से सिलेक्शन हो जाना चाहिए, आराम से इंटरव्यू में उसका काम हो जाना चाहिए, अराउंड 500 के आसपास में भी, ठीक है। एंड अगर जनरल गर्ल की हम बात करें, तो लगभग जनरल गर्ल में डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आपको मिलेगा, तो लगभग आप 600 के आसपास में एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी तो यस, मैं ये तो बेसिकली आपको उस समय बता रहा हूँ एक तरह से हाईएस्ट डिपार्टमेंट का, ठीक है। पीडब्ल्यूडी के हिसाब से सोच सकते हैं आप ये ना, बाकी वो तो अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग रहेगा। बाकी मैंने आपको अगर बेस्ट डिपार्टमेंट की मैं बात करूं आपसे, जो भी आपका टॉप मोस्ट हाईएस्ट कट ऑफ वाला जो डिपार्टमेंट रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली मैं चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। बाकी एब्सोल्यूट टर्म में क्या कट ऑफ रहता है, क्या कट ऑफ रहता है या फिर क्या कंडीशन रहती है, वो तो डिपेंड करेगा रिलेटिव मार्क्स के ऊपर, बच्चों के कैसे कैसे मार्क्स आ रहे हैं उस बेस पे डिपेंड करेगा कि भाई एब्सोल्यूट टर्म्स में आपका कट ऑफ क्या बन के आएगा। बाकी इन जनरल अगर टॉप डिपार्टमेंट की हम बात करें, अच्छे डिपार्टमेंट्स की बात करें, सो ये मेरे ख्याल से ओबीसी के लिए 600 के आसपास, एंड गर्ल्स की अगर हम बात करें तो 500 के आसपास में मेरे ख्याल से इसमें सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाएंगे। एंड जनरल बॉयज का लगभग मेरे को लग रहा है कि अराउंड 700 के आसपास के चांसेस हैं, ठीक है। बाकी एब्सोल्यूट एग्जैक्ट कट ऑफ तो इस समय नहीं पता लग पाएंगे जब तक सही से आंसर कीज नहीं आती है, रिलेटिवली मार्क्स पता नहीं लगते हैं बच्चों के। अगर आप लोग अपने प्रॉपरली सभी लोगों का मार्क्स पता लगेगा, तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि हाँ भाई इस रेंज में रहने का चांसेस है, बट पहले से तो थोड़ा बहुत हाइक होगा ही। बाकी जैसे कोई भी किसी तरह का आइडिया लगेगा कट ऑफ के बारे में, नोटिफिकेशन आएगा, तो उससे रिलेटेड आपका प्रॉपर एक वीडियो बना देंगे हम लोग ना, वीडियो बना देंगे यहाँ पे, बेसिकली मिल जाएगा आपको चैनल पे, ठीक है। उससे रिलेटेड आपकी कोई भी कट ऑफ का डिस्कशन होगा, तो वो चीज भी आपको पता लग जाएगी। सो जस्ट चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर देना, कोई भी जिससे कि नोटिफिकेशन मिस ना हो आपसे, ठीक है। चलिए सो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, कल का मैंने बताया, कल 11 बजे ध्यान रखिएगा सभी लोग, मिलिएगा हमारे साथ में हैप्पी इंजीनियर सक्सेस पे। 300 से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, जैसा कि आपके एग्जाम्स में आएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन, ये आज के सेशन के बारे में सारे पॉइंट्स थे। सो वी विल मीट अगेन टुमारो, कल फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ में, सेम प्लेटफॉर्म सेम जगह पे, मॉर्निंग 11 बजे, याद रखिएगा मैराथन सेशन, कम से कम 5 घंटे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग मान के चलिए आप लोग। सो चलिए भाई, थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जस्ट यूकेपीएससी पे ही डिपेंडेंट मत रहिए, बाकी चीजों की भी तैयारी कंटिन्यू रखिए आपकी ना, जब तक पूरा सिलेक्शन नहीं हो जाता प्रॉपरली, तब तक कंटिन्यू रखिए चीजों को, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस। यस बिल्कुल सही बात है विपिन चंद्र, पूरा प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहेगा आपके पास ना। कल तो जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो तो एक रैपिड क्वेश्चनिंग राउंड होगा एक तरह से ना, रैपिडली क्वेश्चन उसमें डिस्कस करे जाएंगे आपके पास, वन बाय वन, अराउंड 300 क्वेश्चन के आसपास का टारगेट है। सो रैपिड क्वेश्चनिंग राउंड होगा। बाकी इससे पहले जो सेशन हुए हैं उनमें हमने थोड़ा बहुत आपको थ्योरी डिस्कस करी है, थ्योरी के साथ क्वेश्चन डिस्कशन वो एक अलग से सेशन हम लोग अरेंज करेंगे, ठीक है। चलिए सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।